हेलो फ्रेंड्स, स्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम राजस्थान पुलिस का जो पार्ट डी होता है, जिसके अंदर राजस्थान जीके 45, तो हमारा अब की बार टारगेट है कि 45 में से 45 क्वेश्चंस को सही करें। दोस्तों, अगर आपको प्रश्न का उत्तर आता है तो इस यहां पर थीम के अंदर प्रश्न का उत्तर है, बिना पढ़ के कमेंट्स करना है। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, अगर आप इसकी PDF फाइल प्राप्त करना चाहते हैं और इस पेपर जो मैं 45 क्वेश्चन करवाता हूँ, आप बिना देखे टेस्ट देना चाहते हैं कि मुझे पहले उत्तर नहीं देखना है, मुझे टेस्ट देखना है, तो दोस्तों हमारे इस एप्लीकेशन में आपको जाना है, ऑनलाइन स्टडी ऑल एग्ज़ाम लाइव मॉक टेस्ट, इस एप्लीकेशन में जाना है। और यहाँ राजस्थान पुलिस का एक कॉलम बनेगा, वहाँ पर आपको देख लेना है। वहाँ पर आपको इस टेस्ट का 45 क्वेश्चन का टेस्ट मिलने वाला है, लाइव टेस्ट मिलेगा। वहाँ आपको 45 क्वेश्चंस करने हैं, 45 क्वेश्चंस आपके होंगे और एक क्वेश्चंस आधा नंबर के होगा और इसमें -1/3 भी होगा। तो दोस्तों आराम से करना है, कितने सही कर सकते हैं, कितने गलत कर सकते हैं, वो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। दोस्तों पहला टेस्ट और अगले यहाँ पर आप देखेंगे 94 61 041 94 64 041 363 पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और इसकी PDF फाइल भी आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। यहाँ पर आप देखेंगे राजस्थान का क्षेत्रफल पूरे भारत के क्षेत्रफल का 11% है। कितना है? 11% आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो दोस्तों राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर जोधपुर है। पहला पूछे तो आपका कौन सा हो जाएगा? जयपुर। कौन सा? जयपुर। अगला क्वेश्चन देखेंगे शरण रानी को जिस क्षेत्र की ख्याति है? दोस्तों शरण रानी का संबंध है वो है आपका चित्रकला से। किससे? चित्रकला से संबंधित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों उस्ता कला वाले चित्रों के भित्ति चित्रण किस नगर में बताए गए हैं? तो उस्ता कला बीकानेर से संबंधित है। किससे संबंधित है? बीकानेर जिले से संबंधित है। अगला यहाँ पर आप क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों डेयरी एवं खाद्य विज्ञान प्रौद्योगिक एवं महाविद्यालय जो राजस्थान का एकमात्र है वो कहाँ पर है? जोधपुर, जयपुर, कोटा या उदयपुर? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है उदयपुर के अंदर। कहाँ है? उदयपुर के अंदर आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे कि निम्न में से चार सिद्धांत दे रखे हैं वो किस संत से संबंधित है? हवन करना चाहिए, जीवों पर दया करनी चाहिए, ईश्वर और आरती भजन, सुबह सुबह स्नान करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर संत जाम्बोजी जो विष्णु संप्रदाय से संबंधित है। किससे? विष्णु संप्रदाय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे कि जसनाती संप्रदाय की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बीकानेर। कहाँ से हुई? बीकानेर से हुई है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे कि शाहपुरा जो भीलवाड़ा के अंदर है, शाहपुरा वो भीलवाड़ा के अंदर है, यहाँ पर राम सनाई संप्रदाय की प्रधान पीठ है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों भारत का पहला जिसे अपना पर्यटन क्षमता की विपणन करने के लिए PTAT का स्वर्ण पुरस्कार दिया गया है वो कौन सा राज्य है? तो राजस्थान है। कौन सा राज्य है? राजस्थान है। कौन सा है? राजस्थान। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे भीलवाड़ा जिले में जिस संप्रदाय की प्रधान पीठ है वो किसकी है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है रामानुजाचार्य। क्या? रामानुज संप्रदाय की सबसे बड़ी पीठ है। वैसे ही बात करें पिछले प्रश्न हमने पूछा था कि रामसनाई संप्रदाय की, लेकिन देखिए पीठ के बारे में पूछा गया, एक जिले के अंदर दो प्रमुख पीठें हो सकती है। अगला देखिए राजस्थान के कौन से जिले में जनसंख्या का सबसे कम घनत्व है वो आपका जैसलमेर। सबसे कम जनसंख्या घनत्व जैसलमेर का है और सबसे अधिक पूछे तो आपका किसका है? जयपुर का है। कौन सा जिला मानव बनावटी रचना का घनत्व सबसे अधिक है? 12 नंबर प्रश्न है और 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है अजमेर का। क्या है? अजमेर आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में महिला साक्षरता कितनी है? तो 52.66। कितनी है? 52.66 आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे राजस्थान का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला, तो राजस्थान में सबसे बड़ी साक्षरता किस जिले की है? कोटा जिले की। किस जिले की है? कोटा जिले की सबसे बड़ी साक्षरता है।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम साक्षरता जालोर जिले की, किस जिले की है? जालोर जिले की है। अगला क्वेश्चन से, राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख स्थान, दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन से वल्लभ संप्रदाय का स्थान है नाथद्वारा, जो राजसमंद के अंदर है। कांकरोली कहाँ है? राजसमंद के अंदर है। किशनगढ़ कहाँ है? जो अजमेर के अंदर है। कहाँ है? अजमेर के अंदर है। देखिए, तारा भात की ओढ़नी किस स्त्रियों का लोकप्रिय वेशभूषा है? वैसे तो दोस्तों आदिवासी महिला पिछली राजस्थान पुलिस ने करवाई थी, लेकिन 10वीं की बुक है उस बुक के अंदर जाट महिलाएं करवाई जा रही है, तो आपको ध्यान में रखना है। क्या रखना? दोनों इस प्रश्न को ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, महिला की ओढ़नी जिसे हम पोमचा कहते हैं, इसका रंग कैसा होता है? पोमचे का रंग कैसा होता है? तो पीला होता है। कौन होता है? पीला। ये कौन करवाती है? तो महिला पीर, शादीशुदा महिला का पीर वाले पक्ष की ओर से करवाई जाती है। अगला देखेंगे, राजस्थान का कौन सा शेर बैल बूटी की छपाई का परंपरा कला का स्रोत है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 19 नंबर प्रश्न का सांगानेर। क्या है? सांगानेर बैल बूटी के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। अगला देखेंगे कि निम्न में से सही युग्म कौन सा है, सही चीज़ कौन सी है? दोस्तों बादले, जो बादले हैं जोधपुर के, तो ये तो आपका गलत। अगला है मंसूरी की साड़ी कोटा। क्या है? कोटा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे, राजस्थान के किस रजवाड़े में ब्लू पोएट्री का आश्रय दिया गया? ब्लू पोएट्री आपकी जयपुर की, जिसे जयपुर का प्राचीन नाम ढूंढाड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? ढूंढाड़ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे, राजस्थान के, देखिए राजस्थान में केंद्रीय सरकार द्वारा परिचालित कारखाने हैं। देखिए केंद्र सरकार के द्वारा कौन सा परिचालित कारखाना है? तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। कौन सा है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, जो उदयपुर के अंदर का है, उदयपुर के अंदर है। अगला देखेंगे, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान ने भौतिकीय सूचक पद में शिल्प कला में जिसकी सूचीकरण की गई है? तो 23 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है ब्लू पोएट्री सांगानेर और चिकनी मिट्टी के लिए उदयपुर प्रसिद्ध है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या? ऑप्शन एक राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन से, राजस्थान में शीर्ष सहकारी बैंक का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है राज्य सहकारी बैंक। कौन सी है? और अगर आपका पूछे कि इसके अंदर जो जिला पूछे, जिले के अंदर कौन सी है, तो जिले के अंदर आएगी केंद्रीय सहकारी बैंक। कौन सी है? कि केंद्रीय सहकारी बैंक। राजस्थान में तीव्र आर्थिक विकास के लिए कौन सी नीति व्यवहारिक रूप से अपनाई गई है? 25 नंबर प्रश्न इसका राइट आंसर है आर्थिक नियोजन नीति। कौन सी आर्थिक नियोजन नीति है? वो आपका राइट आंसर है। राज्य जिलों में से अछूत राजस्थान को कौन सा है? अछूत का मतलब है छूता नहीं है। तो 26 नंबर आया भटिंडा। भटिंडा क्या है? भटिंडा पंजाब राज्य का एक जिला है भटिंडा। कौन सा है? भटिंडा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे, राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र, राजस्थान में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र उदयपुर और आपका राजसमंद जिला है, उदयपुर जिला और राजसमंद जिला है। अगला आप देखेंगे दोस्तों कि ऊर्जा संगठन राजस्थान की प्रमुख समस्या है, जिसमें निम्नांकित में से ऊर्जा स्रोत सामग्री का सबसे अधिक होता है। तो दोस्तों इस 28 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है वो है बायो गैस। कौन सी गैस? बायोगैस। कौन सी है? बायोगैस। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे 29 नंबर, जहाँ लिग्नाइट आधारित तापीय विद्युत ग्रह है, लिग्नाइट आधारित तापीय विद्युत ग्रह है, तो इसका देखिए कपूरी है, जालीपा है, बरसिंहसर। ऑप्शन नंबर आपका एक राइट आंसर। कौन सा है? ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संगीत के जगत से जुड़े किस कलाकार को मरणोपरांत राजस्थान रत्न से नवाजा गया है? 30 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है जगजीत सिंह। कौन है? जगजीत सिंह आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे कि इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? क्या पूछा है कि कौन सा गलत है? देखिए ये आपका बिल्कुल सही है, गगर के नदी को नाली कहते हैं और सेवन घास है वो जैसलमेर के अंदर है। तो ऑप्शन नंबर आपका दो है वो आपका गलत हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या है? जैसलमेर आपका राइट आंसर क्या होगा? जैसलमेर आपका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या है? गलत जोड़ा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, जो आपका नंबर है 32 नंबर, राजस्थान में पत्रकारिता का भीष्म पिता किसे कहा गया? 32 नंबर प्रश्न, 32 नंबर प्रश्न का आपका राइट आंसर है वो है जाबरमल शर्मा। ऑप्शन नंबर एक क्या है? ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर है, जाबरमल शर्मा राइट आंसर है।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे, जिला प्रमुख को जिला ग्रामीण अधिकारियों का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो दोस्तों ये अध्यक्ष बनाने की परंपरा है 26 जनवरी 1999 से शुरू है। कब है? 26 जनवरी 1999 है, वो आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राजस्थान में पोथी खाना अध्ययन केंद्र किस देश की सहायता से खोला जा रहा है? जापान। किसके साथ में? जापान के साथ में खोला जा रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या है? जापान। सहकारी शिक्षा एवं प्रबंध के लिए एक संस्था की स्थापना की गई, वो कहाँ की गई है? इसका राइट आंसर है जयपुर के अंदर की गई। कहाँ की गई है? जयपुर के अंदर की गई है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे, सहकारी शीत भंडार वाले दो नंबर 36 नंबर, इसका राइट आंसर है जयपुर के अंदर है और अलवर के हैं, वो आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जिस जिले में नेशनल वुड प्रोसेसिंग पार्क है? तो दोस्तों ये कहाँ पर है? जैसलमेर जिले के अंदर। कहाँ है? जैसलमेर जिले के अंदर है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गोपी भट्ट राजस्थान के लोक कला के बारे में पूछा गया, गोपी भट्ट के बारे में पूछा गया, तो गोपी भट्ट का संबंध किससे है? तो दोस्तों गोपी भट्ट का संबंध है वो है तमाशा। कहाँ से है? तमाशा से संबंधित है। तो इस पर्सन का राइट आंसर क्या है? तमाशा इज राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, राजस्थान की बरूपिया कला विश्व के अनेक राष्ट्रों में प्रदर्शित है। क्या है? विश्व में अनेक राष्ट्रों में प्रदर्शित है। प्रदर्शित के बारे में पूछा गया है कि क्यों है, क्या है इसके बारे में। तो दोस्तों बहरूफिया कला जिसे का जानकीलाल भांड, क्या है? जानकीलाल भांड आपका राइट आंसर है। शेखावटी के प्रसिद्ध नृत्य का नाम क्या? शेखावटी का जो प्रतीक नृत्य है वो है गीदड़ नृत्य। कौन सा नृत्य है? गीदड़ नृत्य है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे, वालर नृत्य द्वारा जिसे कहा जाता है, वालर नृत्य किस नृत्य को कहा जाता है? दोस्तों वालर नृत्य वालर लूर कूद मादल मोर जमारा किसका है? ग्रासिया जनजाति। किसका है? ग्रासिया जनजाति से संबंधित है। अगला देखेंगे, राजस्थान के लोग नृत्य एवं उनके प्रचलन क्षेत्र संबंध में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? गीदड़ नृत्य शेखावटी का, बिल्कुल जालौर ये भी सही है, बम रसिया ही भरतपुर का है। कहाँ का? भरतपुर। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पर आ गया भरतपुर, क्या आ गया? भरतपुर। तो आपको ध्यान में रखना है बम रसिया नृत्य कहाँ का है? भरतपुर का है, तो इसका राइट आंसर हो गया भरतपुर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे 43 नंबर, भीलों का प्रसिद्ध लोक नाट्य कौन सा है? जो आपका 43 नंबर प्रश्न, इसका राइट आंसर है गौरी। कौन सी है? गौरी आपका राइट आंसर है। उसके बाद देखेंगे 44 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 44 नंबर कह रहा है, राजस्थान का ऐसा कौन सा विश्वविद्यालय है जिसके अधीन नगर सीमा के बाहर विद्यालय नहीं लगता? सीमा के बाहर पूछा गया है, तो 44 नंबर हो गया, इसका राइट आंसर हो गया आपका राजस्थान जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जो जोधपुर विश्वविद्यालय। क्या है? जोधपुर विश्वविद्यालय। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया। तो दोस्तों आज इस प्रश्न में हम ओनली फॉर 44 क्वेश्चंस करेंगे। 44 क्वेश्चंस कैसे लगे वीडियो चल लाइक करेंगे और वीडियो को शेयर जरूर करेंगे, और इसकी PDF फाइल हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर है, साथ में इसका ऑनलाइन टेस्ट भी हमारे एप्लीकेशन के अंदर है। जाइए जल्दी से एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और हमें सुझाव जरूर दें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, धन्यवाद।